हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म फॉर्मेशन. ये कहाँ चल रहा है? टेस्टिस में. टेस्टिस में भी अगर हम देखें तो कहाँ चल रहा है? तो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, पर लॉब्यूल 1 to 3 सेमिनी फेरेस्टिब्यूल होते हैं ना, उन सेमिनी फेरेस्टिब्यूल में ये स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेमिनी फेरेस्टिब्यूल लाइंड होता है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से, मेल जर्म सेल और ये पिरामिडल शेप जो हम बना रहे हैं ये सर्टोलेई सेल्स हैं. ठीक है, अब ये जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, इसको यहाँ पर आप क्या देखेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है और स्पर्मेटोगोनिया हम देखते हैं. ठीक है, स्पर्म मदर सेल बोल देते हैं. अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर मेल जर्म सेल्स. ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे? स्पर्मेटो गोनिया. ठीक है, स्पर्म मदर सेल है ये. अब यहाँ पर ग्रोथ फेज होता है. ग्रोथ फेज के बाद आप जो देखेंगे उसको आप कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, प्लॉइडी स्पर्मेटोगोनिया की कितनी है? 2n. यहाँ पर इसकी भी 2n है क्योंकि ग्रोथ के बाद ये बन रहा है ना, तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर इसमें मियोसिस वन होगा. मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पर जो बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, डाउन एरो करके हम क्या करेंगे? डाउन एरो लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ कंटिन्यू करते हैं. अब यहां पर होता है मियोसिस टू. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू होगा और यहां क्या बनेगा ऐसे दिखा देते हैं. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, मियोसिस टू हुआ तो क्या बना? स्पर्मेटेड. ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या हो जाती है? एन एन स्पर्मेटेड. और ये स्पर्मेटेड स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या बनाते हैं? मोटाइल स्पर्म. यहाँ पर बना देते हैं मोटाइल स्पर्म. ठीक है, 4 मोटाइल स्पर्म बन जाएंगे, इधर और इधर. ठीक है, इधर दिखा देते हैं, ये मोटाइल स्पर्म बन जाएंगे. स्पर्मेटोजोआ कहते हैं जिसे. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, स्पर्मेटोसाइट पहले दे दिया है तो स्पर्मेटोसाइट तो बाद में बन रहा है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. स्पर्मेटोगोनिया हमें पहले चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया 2 में यहाँ स्पर्मेटोसाइट दे दिया, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. 2 ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया दिया है, फिर दिया स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड और फिर स्पर्मेटोजोआ. ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है. यहाँ पर स्पर्मेटेड दे दिया फिर स्पर्मेटोसाइट दे दिया, ये इनकरेक्ट हो जाता है ना. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन बी, स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ रिडक्शनल डिवीजन, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 2 हुआ और वो जो इक्वेशनल डिवीजन है मियोसिस 2, उससे क्या बने आपके? उससे आपके 4 यहाँ पर स्पर्मेटेड बन गए. यहीं से हमने कंटिन्यू किया, इनको वापस से यहाँ रख दिया. ठीक है, यहाँ पर वापस से रखा है इन दोनों को. ये दोनों क्या है? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है. ठीक है, ये स्पर्म को नहीं कह रहे हैं, ये जो ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस 2 हुआ और मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा यहाँ पर? मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटेड बनेंगे, वो स्पर्मेटेड से फिर क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 2. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 31 पर गिवन है. थैंक यू.